ज़िक्रक तेरी खुशबू मेरी चादर। वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और सामने बैठे हुए मेरे डीलर भाई, सबको मेरी जानिब से अस्सलामुअलैकुम। डीलर एसोसिएशन बनने जा रही है, जैसे कि आपके इलम में है, डीएचए की बनी हुई है, मॉल्टॉन की एसोसिएशन बनी हुई है और गुलबर्ग जो है वो लाहौर की कदीम मार्केटों में शुमार होता है उसका। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही थी डीलर एसोसिएशन की। उसमें कुछ मामला इस तरह के होते थे, हमारे डीलर भाइयों की कमीशन जो है वो मर जाती थी और पार्टी आपस में डायरेक्ट हो जाती थी। और दूसरी बात यह है कि जब वो कमीशन लेने के लिए जाता था तो उसके साथ बड़ा तोहीन अमेज सलूक किया जाता था। एक डीलर जो है वो एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए 6-6 माह 1-1 साल लगाता है, विजिट करवाता है, जो बिकती है उसके बाद मालिक जो है वो माथे पे आंखें रख लेता है और अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर देता है। तो इसकी एक बड़ी शदीद हमारे यहाँ पे जरूरत थी कि गुलबर्ग कदीम मार्केटों में शुमार होता है गुलबर्ग का। मलक साजे साहब तशरीफ लाए हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं और बहुत पुराने यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। आप आए, तशरीफ लाए, स्टेज पे आ जाए। तो बड़ी अपना इसमें दोस्तों ने एक अरसे से ख्वाहिश जाहिर की हुई थी कि गुलबर्ग की एक डीलर एसोसिएशन होनी चाहिए जो डीलर हजरात के मुहादात का तहफुज कर सके। उसके लिए 2-3 साल से वर्किंग हो रही थी। तो उसमें सबसे पहले अली रजा बेग साहब, ये मेरे भांजे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, इन्होंने सबसे पहले कोशिश की और साथियों को आपस में मिलाया, इसमें मीटिंग्स की, बातें होती रही। हमारा उसमें मुफाद कोई नहीं था, हम खुद आगे नहीं आना चाहते थे। हम चाहते थे कि डीलरों का तहफुज हो और हम उनका कांधे से साथ कांधा मिला के उनके साथ आगे चलें। कुछ दोस्तों ने ख्वाहिश जाहिर की, पहले बात हुई कि यहाँ पे एक हम एडहाक को कमेटी बनाए अपना, वो इसको 1 साल के लिए चलाए, इसके खतोखाल तय करे, उसके बाद जो आप इलेक्शन अनाउंस कराएं। ये दोस्तों में हमारी बातें चलती रही। उसमें फिर तय ये हुआ कि हम इसको इलेक्शन की ही तरफ लेकर जाएं। 3 ग्रुप आए इलेक्शन में, उसमें अपना हरून भट साहब थे, आमिर साहब थे और असलम मजहर साई साहब थे। इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन ही लड़ना है। तो हमने कहा ठीक है। एक कोर कमेटी बनी, कोर कमेटी के मेम्बरान जो है हमारे स्टेज पे यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें अरशद खान साहब है, वो यहाँ पे नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ दाखिल करते हैं। उसमें फिर हमारी मीटिंग्स होती रही, आपने देखा ग्रुप्स में चलती रही। तो हमारी तो ख्वाहिश यही थी, यही है और यही रहेगी कि हम जो भी इलेक्शन जीते, मैदान में घोड़े हैं, लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी होगा हम भरपूर उसको सपोर्ट करेंगे। हमारी कोर कमेटी भी सपोर्ट करेगी, आप भाई भी सारे सपोर्ट करेंगे। यहाँ देखें हमारे साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं मुजम्मल गुजर साहब बैठे हुए हैं, मुजम्मल साहब ये हमारे चेयरमैन है मक्का कलोनी के, अरशद खान साहब भी हैं, वो चेयरमैन है, वो भी कोर कमेटी के हैं, हमारे गुलबर्ग के सीनियर जो है यहाँ पे डीलर भाई बैठे हुए हैं, इन सब दोस्तों, हाजी अब्दुल मनान साहब जो है हमारे सरपरस्त भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और जहाँ पे जिनके घर में ये फंक्शन हो रहा है, इनकी तारीख है सियासत की, ये अकेडमी है हमारी और इनके घर से इन्होंने अरुण भट्ट साहब ने कंपेन का आगाज किया। तो हमारे लिए अकेडमी की हैसियत रखते हैं हाजी अब्दुल मनान साहब, तो वो भी हमारे सरपरस्त हैं, हमारे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी आपके तामुन के साथ कि हम डीलर भाइयों को इज्जत दिलवाएं और उनकी भरपूर इज्जत हो और उनकी कमीशन जो है वो ना मरे, उसका हम तहफ़ करें। बहुत शुक्रिया यूनुस बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, कुछ दोस्त अभी आए हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मियां वसीम साहब कनाल पार्क से आपको पंडाल में खुश आमदे। काम करने वाले थे पुराने, तो उसके बाद उनके जाने के बाद कोई ऐसी
सूरताल नहीं थी कि हमारा कोई ऐसा बैनर हो। अब इस तरह है कि हमने फैसला किया है कि अरुण भट्ट साहब जो बैनर बनाएंगे वो इंशाल्लाह अच्छा बनाएंगे और सब लोगों की खिदमत करेंगे, क्योंकि अरुण भट्ट साहब पुराना काम करने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं और इनका नाम है। और हमारा जो हमारे जो सरपरस्त है, जो हमारे सबसे यानी कि हमारे वारिस हैं हाजी अब्दुल मनान साहब, वो हमारे ऊपर हैं और इंशाल्लाह हम हाजी साहब के दावेदार हैं, हम उनके बच्चे भी हैं और उनके भाई भी हैं और इंशाल्लाह हमने तकरीबन 50 साल हाजी साहब के साथ हैं और अल्लाह के फजल साथ साथ रहेंगे। हाजी साहब हमारे ऊपर हैं और इंशाल्लाह रोहन भट्ट साहब अच्छा काम करेंगे और सब दोस्तों की बात मानेंगे और जिस वक्त आप लोग बुलाएंगे और इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे और हम भी हाजिर हैं और हम इंशाल्लाह पुराना काम करने वाले हैं और अच्छा काम करने हैं और इंशाल्लाह एक नंबर काम होगा, दो नंबर काम नहीं होगा। अब मेरी तरफ से सब दोस्तों को वेलकम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए और हमें आपने खिदमत का मौका दिया और इंशाल्लाह जो इलेक्शन की डेट है उसमें आप भरपूर तरीके से अरुण भट्ट साहब को इंशाल्लाह कामयाब करवाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत मेहरबानी। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अरुण भट्ट साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि पंडाल की रौनक मुझे मजा नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे हाजी अब्दुल मनान साहब हो तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा सबके लिए, पर कैसे आप खुद जाए उनको लेके आना चाहिए। मियां सईद साहब माड़े कलोनी से आपको पंडाल में खुशामदीद। गुरु बरक डीलर सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। करोड़ों अरबों दुरूद सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात बनी, सभी कम्युनिटी की यूनियन, उसका इतिहाद, उस कम्युनिटी के मफादात को मफादात का तहफ्फुज करती है। किसी भी कम्युनिटी के यूनियन उसके असरों को बढ़ाती है। किसी भी कम्युनिटी की यूनियन उसकी शान को, उसके वकार को बुलंद करती है। हमारी ये डीलर एसोसिएशन का क्याम, मैं अपने बड़े भाई हाजी अब्दुल मनान साहब को खुशामदीद कहता हूँ, वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। सारे खड़े होके हाजी अब्दुल मनान साहब का इस्तकबाल करें, बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपको पंडाल में दिल की ताकड़ियों से खुशामदीद, हाजी अब्दुल मनान साहब की पिंग जीत। भाई साहब तुहाडे घर मजे नहीं सी आ रहे पंडाल का, यकीन मनो यार, ये तशरीफ ले लो यार, ये फोटो बनाए यार। भाई साहब स्टेज पे आ जाए यार, सारा ही अपने पता ना जी ठीक रखा करो यार। हेलो हेलो असा सब शुरू करे माइक तार वाला दे यार। हेलो आज ये मौका मिला सब भाइयों के पास बैठने का, काफी देर बाद दो तीन साल बाद सब दोस्तों को देखकर बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि ये जो एसोसिएशन बनाई गई है ना, इनके जो मेंबरान है, मेन मेंबरान है, वो बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत ही नाइस लोग हैं, बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया। और सबसे पहले कि इसमें आमिर गोल्डी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, पूरे काम में बहुत अच्छा किरदार अदा किया आमिर साहब ने। और जो सब दोस्तों साहब के हाथ में बैठे इंशाल्लाह सब आपके दोस्तों के साथ हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम प्यार और मोहब्बत के हैं भरपूर पुजारी, हम प्यार और मोहब्बत के हैं भरपूर पुजारी,
लोगों ने दिए जख्म तो हम सामने आए। इस तख्त पे आने का मुझे शौक नहीं था, इस तख्त पे आने का मुझे शौक नहीं था, हम अहले इलाका के लिए सामने आए। इंशाल्लाह बागी है, जमीन बन चुकी है, मुझे 110% चांस है कि परसों आप कामयाब हो चुके हैं। परसों आप कामयाब हो चुके हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग आपने अपने साथ रखे हैं और मुझे पता है कि जितने भी मेम्बरान आपके साथ जुड़े हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं, सब्र वाले हैं। ठीक है भट साहब, वक्त लगना था, एक टाइम आना था, उस पर ये काम होना था। मुझे बहुत खुशी हुई है आज सबके साथ मिलके बैठ के, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है नुमान साहब से बात हुई है। नुमान साहब मैं सूफी साहब का बेटा हूँ, सूफी धमाके का। ठीक है माशाल्लाह, आप हमारे घर भी आते रहे हैं, वक्त गुजरा है, खुशी हुई है आपने इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करा किया है। ठीक है भैया, आमिर भाई का बहुत बड़ा किरदार है, इसने अपनी कुर्बानी दे के भट्ट साहब के साथ इन्होंने साथ दिया, हम इसके शुक्र गुजार हैं। इसमें अली शाह साहब ने बहुत अच्छा किरदार किया है, कामल भट्ट ने, अली बेग ने, और मैं आपको बताता होता था कि गुलबर्ग में मेरे पास एक चुड़ैल है, मैं तो बैठा हुआ हूँ बेड पे, तो कुछ ना कुछ वो मुझे बताती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके मुताबिक आगे काम करता था। तो मैं आज बता नहीं सकता कि वो कितनी खूबसूरत चुड़ैल है। अली बेग जिंदाबाद, बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, अल्लाह ने खुश रखे। और मैंने तो कोशिश की थी, साई साहब को पैगाम भेजा था कि आज के प्रोग्राम में आ जाएं, हमें कायल करें कि भट्ट साहब में कोई गलती है, हमें कायल करें कि आप बहुत बेहतर हैं, झूठ से आपने बनियाद शुरू की थी, हमें अफसोस है। आखिर मैं यही कहूंगा, साई साहब के लिए मैंने एक शेर है, मुश्किलें समेट कर सारे गुलबर्ग की, मुश्किलें समेट कर सारे गुलबर्ग की, जब कुछ न बन सका तो शाही बना दिया। असरार साहब आपका इजहार बहुत जबरदस्त है, आपके इजहार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं